नमस्कार दोस्तों, हमारे एडी सर के नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे आज का जो लेक्चर है, आज का कार्यक्रम हमारी हिंदी निबंध साहित्य श्रृंखला का आखिरी भाग है और आज जब दोस्तों चर्चा होगी अद्यतन हिंदी निबंध के का दूसरा भाग है, जो कि हम पहला भाग हम कल डिस्कस कर रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन है आज। और इस लेक्चर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय। दोस्तों हम सर का स्वागत करते हैं, सर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार मित्रों। हिंदी निबंध की विकास यात्रा पर हम बातचीत कर रहे हैं और आज इस श्रृंखला का यह अंतिम चरण है। हमने अभी तक देखा कि भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध से ये यात्रा प्रारंभ होती है और फिर द्विवेदी युग से होती हुई आचार्य रामचंद्र शुक्ल या छायावाद युग जिसको हम कहते हैं वहाँ तक पहुँचती है, और उसके बाद छायावादोत्तर युग में भी निबंधों का जो विकास और उत्कर्ष दिखाई दिया उस पर भी हमने चर्चा की। आज ये अंतिम चरण है जिसको हम अद्यतन हिंदी निबंध के रूप में जानते हैं, या इसको हम समकालीन हिंदी निबंध भी कह सकते हैं। लगभग 2008-2010 तक की ये यात्रा है जिस पर हम बात करेंगे। हमने देखा कि हिंदी निबंध ने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों को हमारे सामने रखा। निबंधकारों ने गद्य की अन्य विधाओं के साथ, कविता लेखन के साथ निबंध लेखन की परंपरा और परिपाटी का निर्वाह भी गंभीरता से किया। उसी परंपरा को हमने देखा कि अद्यतन हिंदी निबंध तक आते आते उसके कुछ मूल्य, उसके कुछ दृष्टियाँ, उसके कुछ मानक बदलते हुए दिखाई दिए। कभी शैली बदली, कभी भाषा बदली, कभी विषय वस्तु बदली, इस तरह से यह सिलसिला चलता रहा। अब ये जो अद्यतन हिंदी निबंध का दूसरा भाग है, दूसरा चरण है, उस पर हम बात कर रहे हैं। यही वह समय है जब हिंदी निबंध के पाठकों को अज्ञेय की निबंध शैली, विवेचना पद्धति और समीक्षात्मक दृष्टि, इसने अत्यंत प्रभावित किया। अज्ञेय एक बहुआयामी व्यक्ति हैं, उन्होंने कविता के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में कुछ नए मानक, नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने परंपरा के विरुद्ध कुछ नवीन उपमानों की, नवीन बिंबों, प्रतीकों की बात भी की है। तो अज्ञेय का निबंध साहित्य चिंतन, उनका इतिहास, संस्कृति और परंपरा के साथ चलना, उन सबको एक साथ लेकर चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। कला, साहित्य और संस्कृति का मंथन अज्ञेय की चिंतन प्रक्रिया में निरंतर दिखाई देता है। वो बार बार कलात्मकता की जो दृष्टि है उसका परिचय देते हैं और वे इन सब से संबद्ध मुद्दों और विषयों को निबंध का विषय बनाते हैं और अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। यानी कुल मिलाकर उनकी दृष्टि का जो विस्तार है और उनके व्यक्तित्व की जो विराटता है, वह हिंदी निबंध के लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होती है। आधुनिकता के साथ अज्ञेय विचार संवेदना तथा अपनी ऐतिहासिक दृष्टि को मूल्य चेतना के विकास से जोड़कर निबंधों में पिरोते चलते हैं। दरअसल अज्ञेय जी के पास एक कवि हृदय भी है, उनके पास आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में चिंतन के तमाम आयामों पर देखने समझने की एक सूझबूझ भी है। उन सब का सम्मिश्रण वो अपनी मूल्य चेतना के साथ, अपनी संवेदना के साथ करते चलते हैं। अज्ञेय अपने निबंधों के माध्यम से जीवन के कुंठित और भ्रष्ट हो चुके अर्थ को, विलुप्त हो चुकी अर्थवत्ता को फिर से एक नई सार्थकता के साथ, एक नई दृष्टि के साथ, एक नई प्रासंगिकता के साथ उसे उजागर करना चाहते हैं, उकेरना चाहते हैं। अज्ञेय के भीतर एक जिज्ञासा है, अज्ञेय के भीतर एक पूरे परिदृश्य को देखकर उसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कला है। यह अज्ञेय को एक कालजयी साहित्यकार के रूप में स्थापित करती है। अज्ञेय युग यथार्थ से बौद्धिक टकराहट पैदा करते हैं, जो समकालीन स्थितियों में जो वस्तु स्थिति है, जो यथार्थ है, उसके साथ जूझने का, उसके साथ संघर्ष करने का काम अज्ञेय का साहित्य करता है और ये काम निबंधों के माध्यम से भी वो करते चलते हैं। नए प्रयोग और परंपरा, इनको बनाए रखने की एक बेचैनी, एक छटपटाहट अज्ञेय के भीतर दिखाई देती है। इसलिए वो अपने निबंधों में इन नए नए प्रयोगों का, नए नए
उपमानों और सादृश्यों का प्रयोग और अनुप्रयोग करते चलते हैं। एक ताना बाना बुनने की जो क्षमता उनके पास है, एक साहित्यकार के पास जो होना चाहिए, वह सब उनके पास दिखाई देता है। अज्ञेय ने बहुत बड़ी संख्या में निबंध लिखे हैं, उनके ढेरों निबंध संग्रह प्रकाश में आए हैं। हम बहुत सारे निबंध संग्रह हैं जिनकी चर्चा विस्तार से करें तो बहुत समय लगेगा। निबंध लेखन की निरंतरता उन्हें बड़ा निबंध लेखक बनाती है। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों में अगर हम कुछ की चर्चा हमने पहले की, अद्यतन निबंध भाग वन जब भाग एक पर जब हम चर्चा कर रहे थे, जैसे आत्मपरख, यह 1983 में उनका एक निबंध संग्रह आया जिसमें अज्ञेय की जो मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि है, समाज का मनोविज्ञान या सामाजिक का मनोविज्ञान, इसका बहुत रचनात्मक उपयोग वो करते चलते हैं। आत्मने पद और लिखि कागद कोरे, ये बहुत उल्लेखनीय निबंध संग्रह हैं जिसमें अज्ञेय का जो वैचारिक धरातल है, उनकी जो समय और स्थिति को पढ़ने की, उसको समझकर पढ़कर उसका मूल्यांकन और विश्लेषण करने की जो सूझबूझ है, उसका परिचय हमें मिलता है। इन संग्रहों में उन्होंने प्रयोग और प्रेषणीयता, प्रतीकों का महत्व, प्रतीक और सत्यान्वेषण, श्लील और अश्लील, भारतीयता तथा अर्थ और यथार्थ, ये शीर्षक हैं उनके निबंधों के, जो इस निबंध इन निबंध संग्रहों में उन्होंने समय समय पर लिखे, उनका संकलन है। तो हम इन निबंधों के शीर्षक से भी अनुमान लगा सकते हैं, ये निबंध अपने आप में जितने सार्थक हैं, ये शीर्षक भी उतने ही सार्थक प्रतीत होते हैं। तो उन्होंने बहुत ही उपयोगी और प्रासंगिक विषयों को निबंध के लिए चुना और हमें निश्चित ही अज्ञेय के माध्यम से, अज्ञेय के द्वारा जो निबंध साहित्य मिला है वह बहुत ही प्रशंसनीय माना जाता है। अज्ञेय ने अपने पूर्व प्रकाशित चार निबंध संग्रहों को सन 1984 में केंद्र और परिधि इस शीर्षक से प्रकाशित नवीन निबंध संग्रह में संकलित कर पुनः प्रकाशित कराया, यानी केंद्र और परिधि नाम से एक उनका निबंध संग्रह आया बृहत व्यापक, और उसमें इससे पहले के चार निबंध संग्रहों को एक साथ इसी एक जिल्द में उन्होंने फिर से प्रस्तुत किया। ये जो चार पूर्व प्रकाशित निबंध संग्रह थे वो अद्यतन, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर तथा घाट और किनारे, इन चारों का एक जिल्द में एक संग्रह के रूप में प्रस्तुत होना, प्रकाशित होना, यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अज्ञेय ने सांस्कृतिक समग्रता, भाषिक वैविध्य, ये उनके निबंधों का निबंध का शीर्षक है, इतिहास और सांस्कृतिक विकास, निरंतरता और स्वतंत्रता, ये हर बार एक निबंध के माध्यम से एक नए बिंदु को, एक नई साहित्यिक चुनौती को, एक नए साहित्यिक प्रश्न को वो निबंध के माध्यम से विवेचित विश्लेषित करते हुए चलते हैं। इसलिए उनकी उनके निबंधों में यदि और निबंधों पर दृष्टि डालें, मेरी स्वाधीनता सबकी स्वाधीनता, ये शीर्षक है निबंध का, गुण का आस्वाद, भाषा और समाज, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और व्यवस्था, ये सारे समकालीन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विषय हैं, जो जिन पर चर्चा करना, विचार करना, गंभीरता से उनका मूल्यांकन और विश्लेषण करना, ये उस समय जरूरी था, आवश्यक था, वह अज्ञेय ने किया। युग और संदर्भ सापेक्ष दृष्टि अज्ञेय की बहुत महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने अपने वक्त की नब्ज को पहचाना, अपने वक्त की धड़कन को पहचाना और उसके अनुकूल फिर विषय चुनकर निबंध लेखन का कार्य प्रारंभ किया। इसी तरह संस्कृति यहाँ वहाँ या कब्र में, ये निबंध का शीर्षक है, किस तरह से उन्होंने संस्कृति के होते हुए ह्रास को और उसकी तमाम जो चुनौतियाँ हैं समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, उनको विचार करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया। देशीयता और मौलिकता, मौलिकता क्या है और देशीपन क्या है, इस पर मानव होने का दर्द, यह भी उनके निबंध का संग्रह का निबंध का एक शीर्षक है। राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति, दोनों की कल्चर में, संस्कृति में अंतर है, जो
जो दृष्टिकोण राजनीति का है वह बिल्कुल अलग है और जो समाज का है वह बिल्कुल अलग है। तो उन दोनों को अज्ञे ने बड़ी बारीकी से और बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया है। ऐसे अनेक ज्वलंत निबंध अज्ञे के माध्यम से लगातार भिन्न भिन्न निबंध संग्रहों में संकलित होते रहे, प्रकाशित होते रहे। अच्छी बात यह है कि ये निबंध उस समय की जो जो मीडिया की दुनिया है, पत्र पत्रिकाओं में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं, जो साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्रिकाएं हैं, उनमें भी उनका प्रकाशन होता रहा और बड़े स्तर पर पाठक वर्ग उनको स्वीकार करता रहा। संस्कृति की चेतना, भारतीय संस्कृति और विश्व संस्कृति, आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण, मानव प्रतीक सृष्टा, विराट का संस्पर्श, ये सब उनके निबंधों के शीर्षक हैं। इन शीर्षकों से अज्ञे ने बहुत ही सुविचारित और गंभीर चिंतन के आधार पर जो परिणाम निकल कर आते हैं, निष्कर्ष निकल कर आते हैं, उनके को केंद्र में रखकर ये निबंध लिखे हैं। ऐसे निबंध लेखन से अज्ञे ने अपनी विलक्षण मेधा का परिचय दिया है, भाषिक अधिकार का, क्योंकि वो भी बहुभाषाविद थे, बहुत सारी देश विदेश की भाषाएं उन्हें उन पर अधिकार था उनका, विवेचना शक्ति और विषय संबंधी यानी विषय चयन का जो विवेक है वो अज्ञे के पास अद्भुत है, सूक्ष्म पकड़, इन सब का अगर बहुत ही खूबी से कोई परिचय देता है तो वो अज्ञे हैं, जो अपने साहित्य, अपनी तमाम अनुशासनात्मक विधाओं के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। इस तरह अज्ञे ने बहुत सारे निबंध और निबंध संग्रह हिंदी जगत को दिए हैं। ऐसे निबंध संग्रहों में और निबंधों में अगर हम कुछ अन्य नाम जो बहुत उल्लेखनीय हैं चर्चा करें, सर्जना और संदर्भ, त्रिशंकु, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल, जोग लिखी, धार और किनारे, भवंती, अंतरा, सब रंग और कुछ राग तथा संवत्सर, ये सब नाम उल्लेखनीय हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अज्ञे को समग्रतः इन निबंधों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अज्ञे के संस्मरणात्मक निबंधों के संग्रह भी हमारे सामने आए, उन्होंने कुछ मेमायर्स को, कुछ संस्मरणों को निबंध की शैली में प्रस्तुत किया। ऐसे दो संग्रह, स्मृति लेखा 1982 में प्रकाशित हुआ और कहाँ है द्वारका, यह भी 1982 में प्रकाशित हुआ। ऐसी पुस्तकों का योगदान भी हिंदी निबंध के विकास में निश्चित ही महत्वपूर्ण है। अज्ञे अद्वितीय अनुभवों के कवि हैं। नया सप्तक या सप्तक आदि जो संग्रह हैं उनके माध्यम से, उनकी भूमिकाओं के माध्यम से, अज्ञे की आलोचनात्मक दृष्टि के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अज्ञे के पास जो सोच है वो परंपरा से बिल्कुल अलग हटकर कुछ अनूठी, कुछ विलक्षण। तो अद्वितीय अनुभवों के कवि हैं, ऐसे अनुभव दूसरे कवियों के पास नहीं है। चिंतक विचारक हैं वो, एक थॉटफुल साहित्यकार के रूप में, एक विचारक और चिंतक के रूप में हमारे सामने आते हैं। कलाकार हैं, उनकी कलात्मक अभिरुचियाँ भी उनकी कविता और गद्य के माध्यम से हमारे समक्ष निश्चित ही आती हैं। उनमें जो अभिरुचियाँ हैं, उनका जो आस्वाद है, वह एक कलात्मकता प्रिय व्यक्ति का ही हो सकता है। वे बहुत अच्छे अनुवादक भी हैं। जो अनुवादक होता है उसके पास मल्टीलिंगुअल होने के कारण बहुत सारी भाषाओं के साहित्य का विजन भी होता है, एक दृष्टि, उसका उसकी एक समझ भी होती है। इसलिए उनके साहित्य में, कविता हो या गद्य हो, बहुत ही विराट और व्यापक फलक हमें देखने को मिलता है। वे प्रसाद जी के निबंध शैली और पद्धति को एक तरह से आगे बढ़ाते हैं। निबंधकार के रूप में उन्होंने जो काम किया है वह हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी निबंध साहित्य के लिए एक वरदान है। कवि के रूप में भी निश्चित ही अज्ञे एक नेतृत्व के साथ हमारे सामने आते हैं, लेकिन उपन्यास, कहानियाँ, इनके रूप में भी हम देखते हैं कि अज्ञे का जो अवदान है वह स्तुत्य है, लेकिन एक निबंधकार के रूप में भी उन्होंने जो दिया है वह, चाहे भाषा और शैली का मामला हो, चाहे बिंबों और प्रतीकों की नवीनता और मौलिकता का पक्ष हो, चाहे विषय चयन की निरंतर समकालीनता और
महत्वपूर्ण उसकी उपस्थिति का विषय हो वह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। अज्ञेय के बाद इसी समकालीन और अद्यतन निबंध के की दुनिया में विद्यानिवास मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। फिर से हालांकि हम पहले उनके निबंध लेखन की दुनिया में प्रवेश और उनके निबंध संग्रहों की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इधर के काल में आकर भी उनके निबंध संग्रह निरंतर हमें मिलते रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जिस ललित शैली निबंधों में जो लालित्य है, ललित शैली है, उसकी जो प्रशंसा होती है, उस ललित शैली को विद्यानिवास मिश्र ने भी एक तरह से अपना लिया, आत्मसात किया। इसलिए विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में भाषा और शैली की दृष्टि से, विषय चयन की दृष्टि से, वह संस्कृति प्रियता, वह गौरव, भारतीय गौरव के प्रति समर्पण, वह प्रस्तुति का जो लालित्य है, वह जो एक बहुत ही सहज और बोधगम्य रूप में प्रस्तुति की जो क्षमता है, वह विद्यानिवास मिश्र जी के पास अद्भुत है। लोक मनोविज्ञान को मिश्र जी ने बहुत ही नज़दीकी से, बारीकी से और खूबी से समझा है। अत्यंत मर्मस्पर्शी रूप में उस समस्त सामग्री का जो समाज और संस्कृति से वो लेते हैं, जो भारत के गौरवशाली अतीत से वो लेते हैं, जो संस्कृत और वैदिक औपनिषदिक साहित्य से, पुरा साहित्य से जो वो ग्रहण करते हैं, उसका बड़ा रचनात्मक और मर्मस्पर्शी प्रस्तुतिकरण उपयोग वो अपने निबंधों में करते चलते हैं। भारतीय सारस्वत परंपरा तथा उसका स्तुत्य मूल्यबोध, हमारी जो सारस्वत परंपरा है वो कैसे चलकर आगे बढ़ती है और उसका स्वरूप कैसे जन सामान्य के बीच में प्रचारित और प्रसारित होता है, और जो हमारी परंपराजन्य या विरासत में मिली हुई मूल्य चेतना है, उसकी समझ मिश्र जी के पास अद्भुत है। इसलिए वो अपने निबंध साहित्य में उन सबको कहीं ना कहीं पिरोते चलते हैं। ऐसा लगता है कि निबंधों का एक सुनियोजित निश्चय, एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य उनके सामने हमेशा बना रहता है। वो निबंध यहाँ वहाँ भटकते या बिखरते नहीं हैं, वो अपने केंद्रीय बिंदु की ओर लगातार, अपने लक्ष्य की ओर लगातार उन्मुख होते चलते हैं। संवेगों की गंध, जातीय स्मृति, देश का अभिमान, उज्ज्वल सांस्कृतिक राग और रंग, ऐतिहासिक विवेक और समय चेतना, ये जो कालबोध है, ये सब विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में हमें बहुत ही खूबी के साथ पिरोया हुआ मिलता है। विद्यानिवास मिश्र ने अपने ही विषय में यह उल्लेख करते हुए एक स्थान पर अपनी एक पुस्तक में लिखा है, वो लिखते हैं, वैदिक सूत्रों के गरिमामय उद्गम से लेकर, वैदिक सूत्रों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय परंपरा का मैं स्नातक हूँ। ये बात, ये गौरव से वो ये बात कहना चाहते हैं, कहते हैं स्वाभिमान के साथ कि वह उसी भारतीय संस्कृति के प्रतीक बनकर, युग पुरुष बनकर निबंधों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से हमारे समक्ष आते हैं। मिश्र जी के निबंध संग्रहों में उल्लेखनीय है परंपरा बंधन नहीं। मिश्र जी के बहुत सारे निबंध संग्रह हैं, उनमें से कुछ का नाम उल्लेख कर दें। परंपरा बंधन नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये दूसरा शीर्षक है। कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीनन हारी, जो शब्द चयन है, जो बिंब है, जो एक परिदृश्य मनोमस्तिष्क पर उभरता है, वो शब्दों के चयन के साथ आता है। उसमें जो सांस्कृतिक मोह है वो भी प्रकट होता है। अस्मिता के लिए, ये अन्य निबंध का शीर्षक है, इसी तरह संग्रह का शीर्षक है। भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति, चितवन की छांव, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, महाभारत का काव्यार्थ, साहित्य की चेतना, लागे रंग हरी, अग्निरथ, इस तरह के शीर्षकों के साथ उनके निबंध और उनके निबंध संग्रह हिंदी जगत को प्राप्त हुए हैं। और बहुत बड़ी संख्या में विद्यानिवास मिश्र ने भी निबंधों का सृजन किया है, लगातार बरसों वो इस कार्य से जुड़े रहे। अपनी प्रखर बौद्धिकता से समीक्षात्मक निबंध लिखने में यदि कोई एक मुख्य
प्रबल नाम उभर कर आता है इस युग में, इस दौर में, तो वह है मुक्तिबोध का नाम। मुक्तिबोध ने जिस तरह से बहुत गंभीर, बहुत प्रौढ़, बहुत ही साहित्यिक विश्लेषण वाले निबंधों के माध्यम से अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा का परिचय हमें दिया है। मुक्तिबोध, हम जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, या इस तरह की अन्य बहुत ही प्रशंसनीय कविताएं, लंबी कविताएं उन्होंने दी हैं। उनकी आलोचना जो कामायनी पर उन्होंने आलोचना की, या अन्य ग्रंथों पर भी उनकी आलोचना जो हमें मिलती है, तो मुक्तिबोध भी एक बहुआयामी व्यक्ति के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं। और उन्होंने जो निबंध साहित्य हिंदी को दिया है वह प्रशंसनीय है। आधुनिक सृजन समीक्षा को नए आयाम, आधुनिक सृजन समीक्षा को नए आयाम देने का काम मुक्तिबोध ने किया। उनकी प्रौढ़ वैचारिकता संपन्न निबंध संग्रह की जो दृष्टि है, निबंधों में उनकी जो दृष्टि है उस पर हम देखें तो नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, यह इनकी एक निबंध संग्रह की पुस्तक है जिसका शीर्षक है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। जो नया साहित्य है उसको मुक्तिबोध ने सौंदर्य शास्त्र पर भी काफी महत्वपूर्ण काम किया है। समीक्षा की समस्याएं और इसी तरह एक साहित्यिक की डायरी, ये चार संग्रह वो हैं जिनमें समय समय पर लिखे हुए साहित्यिक सांस्कृतिक मुद्दों पर, विषयों पर मुक्तिबोध ने जो निबंध लिखे हैं उनका संग्रह या संकलन इन चारों पुस्तकों में हमें मिलता है। उनके निबंधों पर अगर दृष्टि डालें, कुछ निबंध जो उन्होंने लिखे जिनके शीर्षक से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मुक्तिबोध का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो किस तरह का है, वो अपने निबंधों को लिखते हुए उनका शीर्षक जो देते हैं वो क्या उस निबंध की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है कि नहीं, हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि नहीं। कला का तीसरा क्षण, यह एक शीर्षक है निबंध का। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ये एक उस समय की महत्वपूर्ण चिंता थी जिसको लेकर के मुक्तिबोध ने विचार किया। सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, जो अनुभूति है सौंदर्य का, जो अनुभव है सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद जो महसूस करते हैं, वो उसकी प्रक्रिया क्या है, चरण कैसे उसके पहले, दूसरे, तीसरे से होते हुए आगे बढ़ते हैं। नवीन समीक्षा का आधार, मार्क्सवादी साहित्य का सौंदर्य पथ, काव्य की रचना प्रक्रिया, काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन, और इसी तरह शमशेर मेरी दृष्टि में, उर्वशी मनोविज्ञान, सुमित्रानंदन पंत, ये सारे वो निबंध हैं, उनके उन निबंधों के शीर्षक हैं जो बहुत चर्चित रहे, जिन्होंने आलोचना और विवेचना को हम एक नए तरीके से हमारे सामने रखने का काम किया है। दरअसल इन निबंधों में जो कलात्मक प्रौढ़ता है वह मुक्तिबोध की लेखनी से ही निकल पाती है, यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मुक्तिबोध के पश्चात एक और नाम निबंध लेखन में आता है हमारे अद्यतन निबंध साहित्य की दृष्टि से, वह है विजय देव नारायण साही का। उन्होंने भी नए साहित्य के सिद्धांतकार, चिंतक के रूप में, नए साहित्य के कुछ सिद्धांतों पर बड़ी गंभीर विवेचना विजय देव नारायण साही ने की है। बहुत मध्यकाल के कवियों पर भी उनकी समीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, और ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकार, चिंतक के रूप में विजय देव नारायण साही ने हमें जो निबंध और निबंधों के विषय दिए हैं वह भी प्रशंसनीय है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, यह इस शीर्षक से उन्होंने अपना पहला निबंध लिखा, और इस निबंध ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में, समीक्षा के क्षेत्र में एक तरह से खलबली सी मचा दी। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, साही जी ने परंपरा की नई व्याख्या की और अज्ञेय का संबंध सूत्र प्रसाद से जोड़ दिया। उन्होंने ही ये स्थापना की कि अज्ञेय के निबंधों में जो वैशिष्ट्य दिखाई देता है वो जयशंकर प्रसाद के वैशिष्ट्य का विकास है, इस तरह से उन्होंने इसकी विवेचना की और इसकी सराहना भी हुई। यदि परंपरा हमेशा, वो एक जगह उन्होंने लिखा भी है, यदि परंपरा हमेशा परिवर्तन और वैपरीत्य की दिशा में फूटती हुई चलती है
तो आगे के इतिहासकारों को प्रसाद की परंपरा में ही दिखलाई पड़ेंगे। वास्तव में यह जो दृष्टि है विजय देवनारायण साई की, ये पहली बार आलोचना में हिंदी जगत में दिखाई पड़ी। विजय देवनारायण साई ने अपनी प्रखर विश्लेषण क्षमता से और वैचारिक आधुनिकता से हिंदी निबंध को एक नितांत अनूठी तथा मौलिक विचार भूमि प्रदान की, बिल्कुल नवीन, बिल्कुल विलक्षण। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, राजनीति और साहित्य, ये निबंधों के शीर्षक हैं। शमशेर उनके प्रिय कवि हैं, उन पर उन्होंने आलोचना बहुत महत्वपूर्ण की है। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, राजनीति और साहित्य, साहित्यकार और उसका परिवेश, आजीविका और आश्रय, साहित्य में गतिरोध, हिंदी के सृजनात्मक लेखन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, हिंदी गीति परंपरा का नया उत्थान, पाश्चात्य प्रभावों के संदर्भ में वर्तमान काव्य भाषा की समस्याएं, साहित्य अश्लीलता का प्रश्न, साहित्य क्यों, इतिहास और परंपरा, पुनर्मूल्यांकन किस आधार पर, गोदान, राजनीति में साहित्यकार, जायसी तथा भाषा का अवमूल्यन जैसे गंभीर, चिंतन प्रधान और नए नए निष्कर्ष निकालने वाले निबंध हमें विजय देवनारायण साही के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विजय देवनारायण साही का जो अवदान है हिंदी निबंध लेखन की दुनिया में, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। इस समय में बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर और एक नई और मौलिक चिंतन दृष्टि के साथ निबंध लेखन वो कर रहे थे। उनके निबंध संग्रहों में ठलुआ बुद्धिजीवी, जब ऐसा पत्नी का मायका पड़ोस में बस गया, जब ऐसा पत्नी का मायका पड़ोस में बस गया, हंसना मना है, कटी उम्र होटलों में, प्रतिभा पकोड़ी और शागिर्द, आखिरी अदालत का मुकदमा, ये सब निबंधों के वो शीर्षक हैं जिनमें एक तरह से लालित्य भी है, विनोद भी है और प्रहार भी है, व्यंग भी है। तो ऐसे महत्वपूर्ण निबंध और निबंध संग्रह हमें साही जी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। अब विजय देव नारायण साही के बाद एक अन्य नाम पर विचार करें जिन्होंने निबंध लेखन की दुनिया में अपना उल्लेखनीय अवदान किया, वो है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा ने भी निबंध साहित्य को नया रंग रूप प्रदान किया। सृजनात्मक बौद्धिक यात्राओं के रोचक संसार को इस महत्वपूर्ण विधा में उन्होंने एक तरह से नवीनता के साथ उतारा। निर्मल वर्मा ने देश विदेश की बहुत सारी यात्राएं की और उन यात्राओं के अनुभवों को वो किस तरह से निबंध की वस्तु में परिवर्तित करके और भाषा और शैली के रोचक स्वरूप के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, यह वास्तव में निर्मल वर्मा की अपनी पहचान का एक पक्ष है, एक बिंदु है जिसको हम देख सकते हैं। निर्मल वर्मा ने समकालीन कला, संस्कृति, दर्शन और भाषा के महत्वपूर्ण बिंदुओं और पक्षों को उजागर किया। समकालीन कला को, समकालीन संस्कृति के बोध को, दर्शन और भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उन्होंने उजागर किया। एक ठोस और रचनात्मक बहस को जन्म देने का काम इन मुद्दों पर, इन विषयों पर, वह भी निर्मल वर्मा ने किया। निर्मल जी की पारदर्शी दृष्टि ने दूर तक और बारीकी से, दूर तक देखा और बारीकी से उनका विश्लेषण किया, संदर्भों से जोड़ा, उनकी प्रासंगिकता को हमारे सामने विवेचित किया। उनके निबंध संग्रहों में दो संग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं, उल्लेखनीय हैं, शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम। ये दोनों निबंध संग्रह अपनी एक अलग उपस्थिति दर्ज करते हैं, अपनी एक अलग पहचान दर्ज करते हैं। इसलिए निर्मल वर्मा ने भी इस दिशा में काम किया। निर्मल वर्मा ने रचनात्मक क्रांति की मूल चिंता के विषय को निबंधों से जोड़ा। रचनात्मकता में भी एक परिवर्तन, एक नवीनता, एक पुनरुत्थान होना चाहिए। तो रचनात्मक क्रांति की मूल चिंता, वो चाहते थे कि
कुछ कुछ नयापन, कुछ विचित्र, कुछ विलक्षण, कुछ प्रेरक ऐसा आना चाहिए, ये उस समय की ज़रूरत है, उस समय की मांग है, इसलिए उन्होंने इसकी उसकी ओर ध्यान दिया। कला, मिथक और यथार्थ, पाश्चात्य जो साहित्य शास्त्र के बिंदु हैं, साहित्य शास्त्र के मूल्यांकन के मानक हैं, उनको भी ध्यान में रखकर निर्मल वर्मा ने विवेचना की। इसलिए कला, मिथक और यथार्थ, परंपरा और इतिहास बोध, जो परंपरा है वह क्या है और इतिहास क्या है, दोनों में क्या अंतर, क्या वैशिष्ट्य है, दोनों में कोई आंतरिक अनुविति, कोई आंतरिक संबंध है कि नहीं, दोनों की अंतर्वस्तु क्या है, इस पर विवेचना की। रचना की जरूरत, यह भी उनका एक निबंध है, रचना की जरूरत, रचना क्यों लिखे, कोई व्यर्थ में रचना लिखने का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, इसलिए वो कहते हैं कि यदि रचना की सार्थकता पर हम विचार करें कि वो हो तो क्यों हो, उसका प्रदेय अवदान क्या हो, वह महत्वपूर्ण है। साहित्य में प्रासंगिकता का प्रश्न, यह प्रश्न कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, हम बार बार यह बात कहते रहे कि साहब तुलसी आज प्रासंगिक हैं कि नहीं, कबीर आज प्रासंगिक हैं कि नहीं, इसी तरह अन्य कवियों के या रचनाओं के बारे में हम बात करते रहे, तो उन्होंने प्रासंगिकता के प्रश्न को ही निबंध का विषय बनाया। रेणु, समग्र मानवीय दृष्टि, जो फणीश्वरनाथ रेणु जिन्होंने मैला आंचल जैसा, परती परिकथा जैसी रचनाएं हमें दी हैं, उनके संदर्भ में समग्र मानवीय दृष्टि, पूरी तरह से उनका मूल्यांकन, उनके प्रति अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण, यह भी उन्होंने प्रस्तुत किया। अज्ञे, आधुनिक बोध की पीड़ा, ये जो आधुनिकता का बोध है, इससे जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो चुनौतियां हैं, उनको इस निबंध के माध्यम से उजागर किया। हमारे समय का नायक, हमारे समय का नायक, ऐसे निबंध निश्चित ही ये एक बड़े जोखिम का काम है, अपने समय के नायक पर विचार करना, लेकिन उन्होंने, निर्मल वर्मा ने इस काम को बड़ी बेबाकी के साथ किया। और नायकत्व होता क्या है, हम किसे नायक माने, किसे न माने, क्यों माने, आदि आदि प्रश्नों पर उन्होंने विचार किया। सुलगती टहनी, यह भी उनके निबंध का एक शीर्षक है, ऐसे बड़े चर्चित और महत्वपूर्ण निबंध निर्मल वर्मा ने हमें दिए और बहुत सी ज्वलंत समस्याओं और बहुत से अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास भी वो करते हैं। संस्कृति, समय और भारतीय उपन्यास, इस शीर्षक से एक निबंध उन्होंने लिखा और उपन्यास की अर्थवत्ता तथा सार्थकता पर, उपन्यास क्या है, क्या हो, कैसा हो और क्यों हो, संस्कृति, समय और भारतीय उपन्यास, जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं उनमें इन मुद्दों को ध्यान में रखकर विचार करने का जो रचनात्मक प्रयास है वो प्रशंसनीय है। निर्मल वर्मा के पश्चात एक अन्य निबंधकार के रूप में अब हम देखें, वो है नेमीचंद जैन। नेमीचंद जैन ने रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, साहित्य के बदलते हुए मूल्य, अनुभूति की प्रामाणिकता, युगीन यथार्थ की चेतना, व्यक्ति, समाज और साहित्य, राष्ट्र संकट और साहित्यकार, राष्ट्र संकट और साहित्यकार, कवि और जीवन बोध, साहित्यकार और प्रचार, ये सारे के सारे वो शीर्षक हैं जिनसे निबंध लिखे नेमीचंद जैन ने। नेमीचंद जैन हम जानते हैं कि नाट्यकर्मी रहे, उन्होंने नाटक के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और उनके माध्यम से रंग दर्शन या अधूरे साक्षात्कार या बदलते परिप्रेक्ष्य आदि, जिनकी चर्चा अभी मैंने की, जिनका नाम उल्लेख किया, इस तरह के जो निबंध मिलते हैं वो निश्चित ही उनके साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों की ओर हमें देखने को बाध्य करते हैं। नेमीचंद जैन का अपना एक विशिष्ट नज़रिया और स्थान भी है, इसलिए उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से जो विचार, जो दृष्टि, जो विवेचना हमारे सामने रखी है वह निश्चित ही हिंदी निबंध की दुनिया के लिए बहुत उपयोगी है। इस तरह से हम देखते हैं कि नेमीचंद जैन का योगदान महत्वपूर्ण है। उनके बाद एक और नाम हम विचार करें, डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह ने
हिंदी आलोचना के क्षेत्र में, संपादन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवदान उनका है। वैचारिक और सैद्धांतिक निबंध सर्वाधिक उन्होंने लिखे हैं। निबंध उनके निबंध संग्रहों में यदि हम दृष्टि डालें तो कविता के नए प्रतिमान बड़ी चर्चित पुस्तक रही है, उसमें जो निबंध हैं वास्तव में वो एक नई दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, बाध्य करते हैं। एक और उनकी दूसरी पुस्तक है, कविता के नए प्रतिमान के बाद जो पुस्तक आई थी उसने भी अपने प्रकाशन काल में हिंदी जगत में आलोचना और साहित्य के क्षेत्र में जो अध्येता हैं उनके बीच एक अलग पहचान बनाई, वह पुस्तक थी दूसरी परंपरा की खोज। इसमें कलात्मकता के साथ नामवर सिंह अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं और यह भी साहित्य चिंतन, साहित्य समीक्षा, उसके अनछुए मुद्दों पर, बिंदुओं पर या पक्षों पर विचार करने के लिए हमें बाध्य करते हैं। मार्क्सवादी चिंतक रमेश कुंतल मेघ ने भी महत्वपूर्ण काम किया। सौंदर्य शास्त्र पर उनका जो काम है वह बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि समय एक शब्द है, ये शीर्षक है। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा और साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, ऐसे अनेक समीक्षात्मक और शास्त्रीय निबंध, ये सारे निबंधों के शीर्षक हैं। उनका प्रिय आलोचना का क्षेत्र रहा है सौंदर्य शास्त्र। उन्होंने नए साहित्य के संदर्भ में, पारंपरिक साहित्य के संदर्भ में और सबसे बड़ी बात कि एस्थेटिक्स के रूप में पाश्चात्य चिंतन क्या क्या लेकर आता है उसको जोड़कर उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इन मुद्दों पर बात की है। डॉक्टर रामबिलास शर्मा ने विराम चिन्ह शीर्षक से जब एक नया निबंध संग्रह हिंदी जगत को दिया तो एक नई तरह की जिज्ञासा, एक नई तरह की पठनीयता उसके साथ जुड़ गई। हम जानते हैं कि रामबिलास शर्मा ने हिंदी निबंध को बहुत सारे संग्रह दिए हैं जिनकी चर्चा हम पहले के कार्यक्रम में कर चुके हैं, लेकिन ये विराम चिन्ह जब आया तो वास्तव में निबंध की दुनिया में थोड़ी सी क्रांति सी हुई। स्वयं हिंदी जगत को वो संबोधित करते हुए एक जगह लिखते हैं, आपसदारी में कह दूं कि मेरे निबंधों का यह सबसे अच्छा संग्रह है। जितने भी निबंध संग्रह आए हैं रामबिलास जी के, ये स्वयं उनकी स्वीकारोक्ति है और वो कह रहे हैं कि मेरे निबंधों का यह सबसे अच्छा संग्रह है। यह बात दूसरी है कि मेरा कोई भी निबंध संग्रह अच्छा न बन पड़ा हो, किंतु उनमें अंधों में काने राजा के समान ही सही यह विराम चिन्ह सर्वोपरि है। ये रामबिलास जी की उदारता और विनम्रता है कि वो ऐसा मानते हैं कि उनका कोई भी निबंध संग्रह अच्छा ना बन पड़ा हो और यह अंधों में काना राजा है। वस्तुतः यह बात ही इस बात का प्रमाण है कि जब निबंधकार को, रचनाकार को एक आत्मतोष का अनुभव होता है, एक संतुष्टि मिलती है किसी रचना के सृजन से और उसको लगता है कि जो मैं चाहता था वो मैं कह सका, जो मैं संप्रेषित करना चाहता था निबंधों के और साहित्य के माध्यम से अपने पाठकों को, वह मैं कर चुका, तो वह जो बोध है, वह जो तोष है, वास्तव में वह सराहनीय है। और उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि यह उनका सर्वोपरि निबंध संग्रह है। इस निबंध संग्रह में रामबिलास जी ने श्री गणेश, ये गणेश जी पर उन्होंने निबंध लिखा, श्री गणेश करने के संदर्भ में भी, तो ये जो निबंध का शीर्षक है यह उनकी बदलती हुई अभिरुचि की ओर भी ले जा रहा है। लक्ष्मी पूजा, इसमें थोड़ा हास्य, थोड़ा व्यंग्य, थोड़ा विनोद, ये भी शामिल हो रहा है। नामकरण, छोटी बहू, धूल और अतिथि, ऐसे ललित निबंध रामबिलास जी ने लिखे। तो लालित्य के साथ निबंधों को प्रस्तुत करने का काम भी रामबिलास जी ने इस निबंध संग्रह के माध्यम से, जिसको हमने विराम चिन्ह उन्होंने नाम दिया, उस रूप में जाना, उन्होंने किया। क्रिकेट और विचारधारा, इस शीर्षक से भी रामबिलास जी ने लिखा है। कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि क्रिकेट और विचारधारा, इस पर रामबिलास जी ने लिखा हो, लेकिन वस्तुतः यह निबंध भी उनके द्वारा लिखा गया है और बड़ा रोचक निबंध है, बहुत ही गतिशील निबंध है, यह भी विशेष उनकी बात है। तो उन्होंने ललित निबंधों की दुनिया में भी एक महत्वपूर्ण अवदान किया है। इसी तरह कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, शरद जोशी, ये सब भी वो निबंधकार हैं जो
हास्य को, व्यंग्य को, लालित्य को एक साथ मिलाकर अपने निबंधों के साथ जोड़ते हैं। अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यंग्य शैली में गंभीर निबंध लिखने वाले ये निबंधकार हिंदी निबंध के लिए वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी तरह रविंद्रनाथ त्यागी ने भी बहुत हास्य और व्यंग्य से जुड़े हुए निबंध लिखे। शोभा सभा, देवदार के पेड़, अतिथि कक्ष, ये उनके निबंध संग्रह हैं। शोभा सभा, देवदार के पेड़, अतिथि कक्ष। इसी तरह शरद जोशी ने भी तिलिस्म नाम का एक निबंध संग्रह लिखा, जीप का सवार इल्लियां और यथासंभव, ये उनके निबंध संग्रहों के शीर्षक हैं। व्यंग्य प्रधानता के साथ अपने निबंधों का सृजन करना अगर कोई सीखना चाहे तो शरद जोशी से सीख सकते हैं। विवेकी राय ने भी गमई गांव की गंध, जुलूस रुका है फिर बैतलवा डाल पर, और बबूल जैसे व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। तो हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, ये सब वो निबंधकार हैं जो अपनी निबंध कला के माध्यम से, जो अपनी समाज और संस्कृति को पढ़ने की समझ के माध्यम से हमारे सामने आते हैं और बहुत ही पठनीय तथा रोचक निबंध हमें प्रस्तुत करते हैं, देते हैं। यथासंभव निबंध संग्रह शरद जोशी का बड़ा महत्वपूर्ण और चर्चित निबंध संग्रह है। अज्ञेय जी पर केंद्रित यह निबंध, इसका शीर्षक है नदी में खड़ा कवि। नदी में खड़ा कवि, यह अज्ञेय जी पर केंद्रित है और इस लेख में व्यक्त व्यंग्य चेतना निश्चित ही अलग तरह की, अद्भुत है, विलक्षण है। वे स्वयं अज्ञेय के विषय में इसी संग्रह में एक स्थान पर लिखते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी जो प्रस्तुति है, उनकी जो भाषा शैली है वो कैसी है। उसने कविता लिखी, कविता का स्तर उठा, ये अज्ञेय जी के बारे में कह रहे हैं। उसने कविता लिखी, कविता का स्तर उठा, उसने प्रेम किया किए महिलाओं का स्तर उठा, उसने प्रेम किए महिलाओं का स्तर उठा, उसने नौकरी की संस्थानों का स्तर उठा, वह बोला वार्ता का स्तर उठा, वह नहीं बोला मौन का स्तर उठा। ये जो शैली है ये वास्तव में अद्भुत है, निराली है। इस तरह से हम देखते हैं कि शरद जोशी, जिन्होंने समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में समय सापेक्ष राजनीति, धर्म, संप्रदाय, प्रशासन या शिक्षा, संस्कृति आदि क्षेत्रों पर, खेलों पर भी बहुत सुंदर सुंदर व्यंग्यात्मक रचनाएं उन्होंने लिखी और वो रचनाएं सारी की सारी आगे चलकर फिर संग्रहों में, प्रकाश में भी आईं। भवानी प्रसाद मिश्र ने जिन्होंने मुझे रचा, यह 1988 में उनका एक निबंध संग्रह आया। भवानी प्रसाद मिश्र हम जानते हैं कि गांधीवादी चिंतक और रचनाकार रहे हैं, कवि रहे हैं। कालजई जैसी रचना भवानी प्रसाद मिश्र ने ही दी है और भी बहुत दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके हमें मिलते हैं। उनके निबंध संग्रह का शीर्षक है, जो 1988 में प्रकाश में आया, जिन्होंने मुझे रचा। ऐसे ही कुछ नीति कुछ राजनीति, यह भी उनका एक निबंध संग्रह प्रकाश में आया। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने भी निबंधों के माध्यम से हमें बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक चिंतन दिया है। रघुवीर साहे ने लिखने का कारण 1978 में एक संग्रह दिया जिसका शीर्षक है लिखने का कारण, दिल्ली मेरा परदेश 1978, वे और होंगे जो मारे जाएंगे 1983 और उबे हुए सुखी 1982। ये चार निबंध संग्रह हमें मिलते हैं रघुवीर साहे के। उन्होंने भी बड़ी गंभीरता के साथ हमें अपने निबंधों के माध्यम से एक नई सोच, एक नया ढंग, एक नई शैली प्रदान की है। श्रीकांत वर्मा ने जिरह शीर्षक से एक निबंध संग्रह दिया। श्रीकांत वर्मा भी हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में, गद्य साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जगदीश चतुर्वेदी ने
दस्तावेज शीर्षक से एक निबंध संग्रह दिया जो अकविता आंदोलन की वकालत करते रहे। उन्होंने ये दस्तावेज शीर्षक से निबंध संग्रह दिया। अशोक वाजपेयी ने फिलहाल नाम से शीर्षक से एक निबंध संग्रह दिया और नए रचनाकारों के प्रदेय पर, उनके अवदान पर, उनके योगदान पर अशोक वाजपेयी ने गंभीरता से विचार किया। रमेशचंद शाह के निबंध संग्रहों में समानांतर, वागर्थ और शैतान के बहाने, ये तीन निबंध संग्रह हमें दिए। साहित्य में आज का गतिरोध, समकालीन रचना में स्वतंत्रता का अर्थ, ऐसे वैचारिक सघन निबंधों से रमेशचंद शाह ने अपनी एक अलग निबंध भूमि, साहित्य भूमि तैयार की। इसलिए रमेशचंद शाह के अवदान को भी हमें याद करने का अवसर मिलता है। हिंदी निबंध लेखन की इस परंपरा में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज, महादेवी वर्मा, विजयेंद्र स्नातक, केशव वर्मा, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामेश्वर शुक्ल अंचल, विष्णु प्रभाकर, जानकी वल्लभ शास्त्री, प्रभाकर श्रोत्रिय, चंद्रकांत बांदीवडेकर, कृष्णदत्त पालीवाल, ज्ञान रंजन, कमल किशोर गोयनका, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हिंदी निबंध की दुनिया में बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख और अवदान किया है। इन निबंधकारों ने साहित्यिक चिंतन, भाषिक चिंतन, प्रकृति परक, वनस्पति विज्ञान विषयक, आधुनिक जीवन शैली की विकृतियों को लेकर, रीति रिवाज, परंपरा और पर्व उत्सवों को लेकर, यात्रा साहित्य को लेकर, साहित्यकारों, विचारधाराओं और रचनाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध समय समय पर ये लिखते रहे हैं। ये इन निबंधकारों का भी निबंध लेखन का इतिहास पुराना है, लेकिन इधर अद्यतन काल तक आते आते भी इनका निबंध लेखन निरंतर चलता रहा। डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल ने नया सृजन नया बोध शीर्षक से एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह दिया। देसी ताले विदेशी कुंजी, ये दूसरा एक निबंध संग्रह है उन्हीं का। धर्म, संस्कृति और नवजागरण, ये शीर्षक है निबंध का। धर्म, संस्कृति और नवजागरण, हमारी मान्यताओं के सांस्कृतिक उत्स तथा परंपरा में ही है नवजागरण की जड़ें। ये इस तरह के शीर्षकों से डॉक्टर पालीवाल ने अपनी जो विवेचना शक्ति है, अपनी जो निबंध प्रतिभा है, उसका परिचय हमें दिया है। उनका चिंतन, उनका विवेचन निश्चित ही इधर के समय में जो अद्यतन काल या समकालीन जो समकालीनता का जो समय है उसमें पालीवाल जी ने अपनी एक अलग जगह, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यही वह युग है जब निबंधकारों ने विभिन्न राष्ट्रीय चेतना के समाचार पत्रों में, साहित्यिक पत्रिकाओं में और समय समय पर संकलित होने वाली पुस्तकों में बहुत सारे निबंध लिखे हैं। आलोचना, दिनमान, जनसत्ता, रविवार, नवभारत टाइम्स, भाषा, साक्षात्कार, पूर्वग्रह, दस्तावेज, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, अनुवाद, सहृदय आदि अनेक पत्रिकाएं हैं जिनमें निबंध लेखन का यह सिलसिला चल रहा है, चलता रहा और अभी भी चल रहा है। निबंध अभी भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन उस तरह के निबंधों की दरकार अभी है जो शुक्ल जी के युग में या शुक्ल जी के बाद के युग में आते रहे हैं। यहाँ तक हम देख सकते हैं कि हिंदी निबंध और हिंदी लेख दोनों अलग अलग हो गए थे। निबंध को अंग्रेजी में ऐसे शब्द से अभिहित किया गया और लेख को आर्टिकल कहा गया, तो दोनों की प्रकृति में, दोनों की सैद्धांतिक विवेचना में, दोनों के रूपरेखा और प्रारूप में भी अंतर आ गया। इस दौर में हिंदी निबंधकारों में यदि दो चार नाम निकालने हों तो रामचंद शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और नंदोलारे वाजपेयी जैसे नाम नहीं मिलते। ये वो निबंधकार हैं जिन्होंने निबंध की दुनिया में एक प्रतिमान स्थापित किया है। शुक्ल जी ने अपने व्यक्तित्व की छाप अपने निबंधों पर छोड़ी है। चिंतामणि भाग एक में वो लिखते हैं, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक स्थलों पर पहुँचती है
वहां हृदय थोड़ा बहुत रमता हुआ अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता चला गया है। तो बुद्धि का यानी विचार का, हृदय का यानी संवेदना का एक विलक्षण समन्वय साथ लेकर वो अपने निबंधों में चलते रहे हैं। कुबेरनाथ राय ने भी अपने निबंध लेखन के विषय में एक उल्लेख किया है, विचारणीय है। तब मैं आधुनिक अंग्रेजी साहित्य शेक्सपियर, लैम्ब, हेजलिट और रविंद्रनाथ के प्रभाव से परिपूर्ण था और असम बंगाल का साहित्यिक वायुमंडल सुनील गांगुली के क्षुधित पीढ़ी आंदोलन से अविष्ट था। मेरी गद्य भंगिमा पर शेक्सपियर के मनमौजी और उश्रंखल गद्य का तथा रविंद्रनाथ के मनमौजी परंतु शालीन गद्य का संयुक्त प्रभाव पड़ा है। संभवतः उन्मुक्त और शालीन दोनों का यह संयुक्त प्रभाव ही मेरी गद्य भूमि को समकालीन ललित निबंधकारों से अलग करता है। मैंने अपने विशुद्ध देशी संस्कारों की भूमि पर खड़े होकर दोनों के बीच रचनात्मक सामंजस्य अर्जित करने की चेष्टा की है। तो यह कुबेरनाथ राय ने अपने निबंध लेखन की प्रक्रिया पर विचार करते हुए हमें उससे अवगत कराया। नई पीढ़ी के निबंधकारों में कृष्ण बिहारी मिश्र, राम अवध शास्त्री, श्री राम परिहार, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल आदि ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इधर निबंध लिख रहे हैं और अभी भी लगातार उनका प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में हो रहा है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, संबुद्धि, आंगन की तलाश आदि ऐसे निबंध संग्रह हमें दिए। मिश्र जी के निबंधों में नॉस्टैल्जिया की भावना बहुत है, अपने अतीत की, गाँव की, अपने घर की, अपने खेत और खलिहान की स्मृतियाँ उन्हें विकल करती हैं। इसी तरह ग्रामीण स्तर पर आधुनिकता का जो आक्रमण हो रहा है, मिश्र जी उसकी भी बहुत चिंता करते हैं। उन्हें लग रहा है कि चारित्रिक दृढ़ता जो है वह नष्ट हो रही है, अवसरवादिता बढ़ रही है, वैमनस्य बढ़ रहा है, उपभोगवादी संस्कृति बढ़ रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से उजागर किया। राम अवध शास्त्री ने डायरी के उड़ते पृष्ठ, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कांच फूल गए आदि निबंध संग्रह हमें दिए। श्रीराम परिहार ने आँच अलाव की, अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो वंशी, गूंजे तो शंख और ठिठके पंख पंखुरी आदि शीर्षक से भी बहुत सारे निबंध संग्रह हमें दिए हैं। इस तरह बाजारवादी संस्कृति पर, पश्चिमीकरण पर, उपभोक्तावाद पर एक चिंता व्यक्त करने का और मूल्यों के ह्रास की जो समस्या है, चुनौती है, उस पर विचार करने का प्रयास इस युग के निबंधकारों ने बड़ी शिद्दत के साथ, मन के साथ किया है। कुल मिलाकर केदारनाथ सिंह ने भी एक कब्रिस्तान में पंचायत शीर्षक से एक निबंध संग्रह दिया, लेकिन वो निबंध संग्रह कोई बहुत अपनी पहचान नहीं बना पाया। हम देख सकते हैं कि हिंदी निबंध की राह जो भारतेंदु युग से चलती हुई और एक लंबी यात्रा तय करती हुई यहाँ तक पहुँची है, यह निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है। और इस निबंध संग्रह ने, निबंधों की एक लंबी परंपरा ने और सैकड़ों निबंध संग्रहों ने हिंदी निबंध जगत को बहुत ही समृद्ध और संपन्न बना दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार के अच्छे निबंध लिखते रहेंगे, उनका प्रकाशन होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर इस पर चर्चा करने के लिए। और दोस्तों यही थी हमारी हिंदी निबंध साहित्य की श्रृंखला और इसी का, जैसे मैंने बताया था, आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम एक नई सीरीज़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और दोस्तों हमें सर का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतने खूबसूरत लेक्चर्स देने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार।